नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बिजनौर के शहर क्षेत्र के कई इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ड्रोन कैमरा उड़ाया गया। सीओ सिटी कुलदीप कुमार गुप्ता, शहर कोतवाल रविंद्र आबकारी पुलिस चौकी प्रभारी योगेश शर्मा, सिविल लाइन पुलिस चौकी प्रभारी यश देव समेत तमाम पुलिसकर्मी मुल्ला का चौराहा, मोहन का चौराहा, मुस्लिम फंड सहित कई अन्य स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ड्रोन कैमरा उड़ाकर सभी तस्वीरों को उसमें कैद किया। आगामी मंथ में आने वाले त्यौहार तथा कल जुमा की नमाज के संबंध में थाना पुलिस द्वारा लगातार फूड पेट्रोलिंग की जा रही। आज नियमित रूप से फूड पेट्रोलिंग की गई और बिजनौर शहर के जितने भी संवेदन और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां ड्रोन द्वारा भी निगरानी की गई, जिससे कि अराजक तत्वों में सख्त माहौल, सख्त कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया तथा जितने भी संभ्रांत लोग हैं उनके प्रति एक सकारात्मक सुरक्षा का माहौल पैदा हो सके। फर्रुखाबाद में गुरुद्वारा गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान लोगों ने गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुबह से ही गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। इस दौरान गंगा घाट पर हर हर गंगे जैसे नारे भी लगाए गए थे। साथ ही गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी की। रुद्रपुर में पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या कर 14 सालों से फरार चल रहे 25,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस कार्यालय में एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के अमरिया कॉलोनी का रहने वाला उत्तम मंडल के खिलाफ साल 2008 में ट्रांजिट कैंप थाने में अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पीएचक्यू द्वारा लगातार जो अभियान चल रहा है जिसमें इनामी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात हो रही है, तो इसलिए हम अपने सीरियसली लेकर हमने स्पेशल टीम्स बना के इनामियों के विरुद्ध अभियान चलाए थे। तो इसी दौरान आज एक बहुत अच्छी सफलता उपलब्ध हुई है, जहां पे 25,000 का इनामी जो 2008 में मर्डर में वॉन्टेड था, जिसमें FIR नंबर 232/2008, तो वहाँ पे वॉन्टेड थाना रुद्रपुर के FIR नंबर में वॉन्टेड था मर्डर में, उसके अपराधी को मतलब आरोपी को जिसके ऊपर मफरूरी में चार्जशीट लगी थी और स्टैंडिंग वारंट था कोर्ट का और हमारा इनामी भी था, उसको 14 साल के बाद आज पकड़ में आया गया है। इसकी तस्करा पूछताछ में इसमें ये भी कुबला है कि 2002 में इसने अपना पहला पत्नी और दो बच्चों का भी उसने मौत के घाट उतार दिया है। प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया, जहां गैस एजेंसी संचालक से 70,000 की लूट की गई। आपको बता दें कि दिशा HP गैस एजेंसी में घुसकर तमंचे के बल पर लूट की गई है। अज्ञात बाइक सवार दो बदमाश एजेंसी पर बैठे संचालक को लूट कर फरार हो गए। सूचना पर सीओ सिटी समेत पुलिस पर मौके पर जाँच में जुटा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के रगौली पास का ये पूरा मामला। ताज़ा मामला ऑडियो प्रकरण से जुड़ा है, जिसकी फॉरेंसिक जांच के बाद मेयर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच में ऑडियो की आवाज़ और मेयर की आवाज़ का मिलान किया गया, जिसमें वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जांच में दोनों आवाज़ें एक ही पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दिया। वहीं मेयर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले पार्षदों ने भी इसे सच्चाई की जीत बताया और मेयर से पद से इस्तीफे की मांग की है। देखिए, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, आप देख रहे हैं पूरी रुड़की के अंदर जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं सबकी गुणवत्ता बहुत अधिक खराब है। सड़कें लगातार टूट रही हैं, निर्माण कार्यों की बहुत दुर्गति हो रही है। जो सड़कें 10 साल 15 साल 8 साल चलनी चाहिए वो सड़कें साल दो साल भी नहीं चल रही। जब एक सड़क जो 10 साल चलनी चाहिए और दो दो साल में उसको 5 बार बनाया जाएगा तो सरकारी पैसे का 5 गुना दुरुपयोग होगा। है कि शहर भर के अंदर जितनी भी सड़कें बने गुणवत्तापूर्ण बने
और मैंने लोगों से अपील की, रुड़की नगर की जनता से अपील की कि 40 के 40 वार्डों में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी एजेंसी से हो रहे हैं, अगर आपको लगता है वो घटिया काम हो रहा है, उसका सीधे फोटो खींचिए और मेरे मोबाइल पर भेजिए, एप्लीकेशंस भेजिए, और मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी है कि शहर से सैकड़ों लोग मेरे पर फोटो भी भेज रहे हैं, एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं, और बहुत घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ, रोज़ाना 2-3-4 सड़कों पर जा रहा हूँ, मीडिया कर्मियों को भी लेकर के जा रहा हूँ, और देख रहा हूँ वास्तव में स्थिति बहुत दयनीय है। जो देखिए सीधा सीधा सा है कि जो आईटी से जांच की बात करेगा, जो गुणवत्ता की बात करेगा, जो काम के सुधार की बात करेगा और अच्छे की ओर जाएगा, निश्चित रूप से उसकी जान को खतरा होगा ही, और मैं लेकिन इसमें पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किसी व्यक्ति ने मेरे अधिकार सीज करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दी थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको खारिज किया गया और 50,000 रुपये उस पर जुर्माना लगाया गया, ऐसा मैंने आज अखबार के समाचार पत्रों में पढ़ा है। देखिए धन्यवाद आप सभी न्यूज़ चैनलों का। देखिए गौरव गोयल ने 5-6 महीने पहले एक शहर के सम्मानित व्यक्ति जो सुबोध गुप्ता जी है उनसे डील कर रहे थे, जिनकी कथित रूप से वो पहले इनकी ऑडियो क्लिप जारी हुई 25 लाख रुपए का लेन देन करना चाह रहे थे। उन्होंने इनके ऊपर केस किया, फिर ये फोरेंसिक जांच में गई और फोरेंसिक जांच में ये बात सत्य पाई गई, जिसे लेकर गौरव गोयल जी ये कहते रहते थे कि भाई मैंने ये आवाज़ मेरी नहीं है, ऐसे मिमियानी लोग यहाँ बहुत हैं, मैं सबकी आवाज़ निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन वो सच को आँच नहीं है। एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय रिक्शा चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 6 रिक्शा बरामद किए हैं। चोरियों में लिप्त तनवीर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस जुटी हुई है। एसओजी ने बताया कि गैंग के सदस्य रुदपुर सहित अन्य जगहों से रिक्शा चोरी करते थे और रात के अंधेरे में बाइक से रस्सी के सहारे खींच कर रामपुर तक ले जाते थे। क्वार्टर मीटिंग और ये जो कोऑपरेशन रहता है इसी का है ये नतीजा है, क्योंकि हमारे बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान अच्छा है, तो हमारे यहाँ पे क्रिमिनल्स जो वहाँ एक्टिव है और वहाँ का क्रिमिनल्स जो यहाँ एक्टिव है, हम बहुत तालमेल के साथ काम करते हैं यूपी के साथ, तो इसीलिए है कि हमें कोई कोऑपरेशन में कमी नहीं हो रही है। आज एक इतना बड़ा गैंग का पर्दाफाश हुआ है और उसमें भी 4 और लोगों का नाम प्रकाश में आया है, उसको यूपी के अवगत कराया जाएगा सीमावर्ती जनपदों को, और उनकी गिरफ्तारी भी किया जाएगा। आगे हम भी और अग्रिम कार्रवाई जो है गैंगस्टर गुंडा वो सब कार्रवाई करेंगे। और अब खबर सहारनपुर के थाना ग्राम नारायणपुर से है, जहां बोरिंग के कुएं की ईंट निकाल रहे 2 युवक मिट्टी की डांग गिरने से दब गए, जिसमें उनकी मौत हो गई। दरअसल जैसे ही वो करीब 10 फीट की गहराई पर पहुंचे, ऊपर से मिट्टी का टीला खिसक गया और दोनों युवक मिट्टी में दब गए। परिजनों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे विधायक मुकेश चौधरी ने, उप जिलाधिकारी अजय कुमार, तहसीलदार आधीश्याम शर्मा, सीएससी प्रभारी ने भी शोक जताया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू चलाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से दोनों युवकों को बाहर निकाला गया और गंभीर हालत में एम्बुलेंस से भर्ती कराया गया, लेकिन जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। ये गांव नारायणपुर में 2 लड़के नौजवान बिल्कुल, एक 28 साल और एक 38 साल के थे, शिव कुमार जी और अंकित सैनी, दोनों सुबह वहाँ बोरिंग पर अपना काम कर रहे थे, तो इनका जो है ऊपर से कुई का जो मिट्टी थी वो ढांग बैठ गई, उससे इनकी जो है डेथ होगी। और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, बहुत ही दुखद घटना है, मतलब बहुत ही पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में एक तरह से रोष का माहौल है और बहुत ही मतलब पूरे बहुत दुखद घटना है। प्रातः लगभग 9:30 बजे ग्राम नारायणपुर में 2 व्यक्ति बोरिंग के पास काम कर रहे थे खेतों में, जिसमें उनका वहाँ पर मिट्टी धंसने से जो बोरिंग के जो गड्ढे थे उसमें उनका पैर फिसल के उसमें गिर गए, जिससे मिट्टी ऊपर से गिरने से उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही तत्काल प्रशासनिक सहायता के रूप में जेसीबी मशीन ट्रैक्टर लगा करके उसकी खुदाई कराई गई, प्रयास किया गया कि व्यक्ति को सकुशल वापस निकाला जाए, लेकिन आधे पौन घंटे की मशक्कत के बावजूद भी, सभी ग्रामीणों के भी अथक प्रयास के बावजूद भी दोनों को निकाला गया, परंतु अस्पताल लाते लाते यह आया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है।
पिछले एक महीने से चल रहे जय मिंगेश्वर महादेव क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। बृहस्पतिवार को मिंग नारायण मंदिर में चल रहे जय मिंगेश्वर महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल बीएमसीसी ईडा और एमएमसीसी मिंग के बीच खेला गया, जहां मिंगेश्वर महादेव क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच का खिताब एमएमसीसी ने रोमांचक मुकाबले से अपने नाम कर लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिविल जज सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उच्च न्यायालय नैनीताल प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के निर्देशों के कार्यक्रम में आगामी 11 जून को नीति घाटी मलारी में अवसर पर दूरस्थ क्षेत्र मलारी गाँव में विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम और छात्र छात्राओं के मध्य निबंध पेंटिंग पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हम लोग दिनांक 11 जून 2022 को मल्लारी ग्राम में एक शिविर आयोजन कर रहे हैं। ये जो शिविर है ये विधिक साक्षरता शिविर है। इसमें हमारे जो एक्शन प्लान है इस महीने का, उसमें तीन टॉपिक्स को कवर करना है। सर्वप्रथम तो ट्राइबल राइट्स है, तो चूंकि ये जो रीज़न है ये पूरा हमारा ट्राइब से बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पर ट्राइबल राइट्स की जो जानकारी है वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। इसके इतर हमारा एक टॉपिक इलिसिट ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज पर है, जिसके लिए हमने हमारे जो यहाँ के सीओ साहब से हैं उनसे वार्तालाप की और उन्होंने हम लोगों को वो आश्वासन दिया है। दो जून 2022 को तहसील बड़कोट अंतर्गत नागायण गांव के पास एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें कुल 5 व्यक्ति सवार थे। एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। उस वाहन की दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रेट जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक रोहिला ने उप जिला मजिस्ट्रेट बड़कोट को जाँच अधिकारी नियुक्त किया है। गंगा जी के अवतरण दिवस गंगा दशहरा के पावन पर्व पर उत्तरकाशी स्थित मणिकर्णिका घाट पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला और पूर्व विधायक विजयपाल साजवान श्रद्धालुओं के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना और महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक साजवान जी ने इस शुभ पर्व पर आह्वान किया। उन्होंने मां गंगा की पवित्रता को अक्षुण रखने के लिए सभी से सहयोग करने की अपेक्षा की है। समल मोबाइल शॉप पर ईयरफोन चेंज ना करने पर जमकर मारपीट हुई है। मोबाइल की दुकान पर दबंग युवकों ने दुकानदार को पीटा है और तोड़फोड़ की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला है, जिसके आधार पर इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आगरा में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की मार देखने के लिए मिल रही है। आगरा विकास प्राधिकरण ने चाबुक चलाया था। चौन क्षेत्र में 20,000 वर्ग गज में बनी अनाधिकृत कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। शकील नाम व्यक्ति ने अवैध कॉलोनी विकसित की थी। आगरा में अवैध कॉलोनी पर लगातार कार्रवाई जारी है। आगरा की निशु तोमर ने आगरा का नाम रोशन किया। स्टेट लेवल कराटे में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेशनल खेलने की तैयारी कर रही है। निशु घर पर ही प्रैक्टिस करती है। लखनऊ में स्टेट लेवल कराटे प्रतियोगिता हुई थी। खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। दयालबाग की रहने वाली है निशु। क्षेत्राधिकारी छात्रा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी द्वारा जुमे की नमाज की दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था हेतु संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। कानपुर में हुई घटना के बाद से लगातार आगरा पुलिस सतर्कता बरतते हुए इसी कड़ी में जुमे की नमाज को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र अंतर्गत बिजली घर चौराहे पर एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में लगी आग से दूसरी दुकानों में भी आग जा पहुंची, जिसकी वजह से बाजार में हड़कंप मच गया। अन्य दुकानदार अपने सामान को बचाने के लिए जोश से दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि आग लगने से दुकानदारों को लाखों की क्षति हुई है। अलीगढ़ के थाना टपर इलाके में पलवल हाईवे पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जब मथुरा जिले के थाना नौझिनी क्षेत्र के गांव निवासी दो युवक अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर बाइक पर सवार हो जा रहे थे। इसी दौरान युवक तेज रफ्तार बाइक पर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बाइक तेज रफ्तार के साथ अनियंत्रित सड़क के बीचों बीच बनी डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से तेज रफ्तार बाइक की जोरदार टक्कर लगते ही दोनों युवक बाइक समेत सड़क पर घिसटते गए। डिवाइडर से बाइक टकराने के बाद एक्सीडेंट होता देख लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। हम जा रहे थे अपनी बहन जी के यहाँ पर, मतलब जैसे कि
गाड़ी कवर ना भाई। तो कौन सी गाड़ी थी? प्लेटिना। प्लेटिना। कितने बजे निकले थे गांव से? गांव से निकले थे करीब 5 बजे के लगभग। अच्छा, ये हादसा कितने बजे हुआ था? इतना तो मतलब कि अब 7:53 हो रही है, जैसे कि 7:30 मान लो। तो कितनी रफ्तार थी कौन से मोटरसाइकिल बाइक की? मुझे तो इतना अंदाज नहीं है। अभी 7:55 पे हमारे अस्पताल में 108 एम्बुलेंस लेकर आई पेशेंट जिसका एक्सीडेंट हो गया था, हामिदपुर कट है वहाँ पे। वो हिस्ट्री है इसकी, बाइक से स्केट कर गया है जिसके कारण उसको काफ़ी सारी सिर में चोट है, लेसरेशन है, ह्यूज लेसरेशन है, ब्लीडिंग बहुत हो रही है। उसको कंप्रेस बैंडेज करके प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है और घर वालों को बता दिया है कंडीशंस के, और यहाँ से मरीज को रेफर कर दिया है हादसे के लिए। डीआईजी दीपक कुमार ने क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार और पुलिस बल के साथ इलाके में पैदल भ्रमण किया और पुलिस की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी दीपक कुमार ने कोतवाल नगर में तैनात पुलिसकर्मियों और पीएसी जवानों के असलहों का भी परीक्षण लिया। शासन के निर्देश के अनुसार पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और डीजीपी महोदय के निर्देश हैं, उसमें जितने भी हमारी पिकेट हैं संवेदनशील इलाके में जो परमानेंट पिकेट हैं, उन सब जगह हमारे कर्मचारियों को मोटिवेट करना, लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना, और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में यह महसूस हो कि कानून का राज है, जो भी गलत करने का प्रयास करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से अलीगढ़ के इस पुराने शहर में पिकेटों का निरीक्षण किया जा रहा है। अमेठी में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए। जामो थाना क्षेत्र के बंधवा के पास का यह पूरा मामला। और अयोध्या में बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। गंगा स्नान कर कानपुर से लौटकर इटावा घर जा रहे थे सभी को सवार यात्री। रोडवेज बस से हुई भिड़ंत में को सवार ड्राइवर समेत 2 महिला एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई। अन्य हुए घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि यह पूरा मामला बेला थाना क्षेत्र के जल कल्याणकारी अस्पताल के समीप की घटना है। काना सेवा समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन के उपलक्ष्य में दिनेशपुर नगर क्षेत्र में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा दिनेशपुर नगर पंचायत से शुरू की गई। कलश यात्रा नगर के विभिन्न वार्डो से होती हुई श्रीहरि मंदिर में स्थित कृत्रिम तालाब कामना सागर से महिलाओं के द्वारा कलश में जल भरकर नगर पंचायत दिनेशपुर कार्यालय के पास भगवत कथा पाठ स्थान पर समाप्त हुई। एटा में सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया गया। अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का आरोप है। रामेश्वर सिंह यादव भाई जोगिंदर सिंह यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में 18 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया था। फरुखाबाद के रमशाबाद में घर में बाकी रखवाली की कहकर गए 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उम्र इनकी हमसे 10-12 साल छोटे हैं, हमारी 70-72 है, 70 की लगभग। तो इनकी हुई 60 की लगभग। अच्छा, इनकी शादी हो गई थी? शादी तो यही थी। बच्चे? अच्छे बच्चा नहीं है, बहू मर गई 15-16 साल 15-16 साल पहले। तो ये आपको जन कैसे क्या मतलब दारू वारू पीते थे या कोई? नहीं, इनकी सांस चलती थी। अच्छा, सांस के मरज से? हाँ, सांस के मरज। तो ये कल से गायब है? हाँ। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ पल इंडिया के साथ।